संसद के स्पेशल सेशन से पहले 17 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस दौरान कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने और पारित करने की जोरदार वकालत की। मीटिंग में कई नेताओं ने कहा कि 5 दिन के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण विधेयक पास किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये विधेयक सहमति से पास हो जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग की है, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा विवाद, अडानी मुद्दे पर भी बात करने की मांग की गई है। हमें बताया गया है कि ये संसद के नियमित सत्र है, हालांकि सरकार ही जानती है कि उसकी मंशा क्या है। किसी नए एजेंडे से सभी को हैरान भी कर सकती है। सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहते हैं कि ना चाहते हैं ये सरकार खुद जाने, लेकिन हम लोग हमारी तरफ से अपना मुद्दा हम लोग रख दिए हैं। जैसे कि हमारी तरफ से चर्चा चाहते थे कि कास्ट सेंसस पे सरकार कोई नीति निर्धारण करे। सरकार ये बेरोजगार, महंगाई, ये हमारे चाइना बॉर्डर पे जो चीनी फौजों की जो अतिक्रमण हुए, अदानी साहब के मुद्दे, मणिपुर की हालात, जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति, सारे चीजों पे सरकार ध्यान दे। और जो हमारे जो सांप्रदायिक दंगा जो हो रहे हैं हमारे देश की कोई कोई स्टेटों में, इसके बारे में सरकार संज्ञान में लाए। और हमारे ज्यादातर जो पार्टियां हैं विपक्ष, सारे पार्टियां की एक ही मांग थी कि भाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके प्रमुख वाइको तिरुची एन शिवा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता वी शिवदासन और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार 13 सितंबर को बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी। वे 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। जानकारी के मुताबिक सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मॉनसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़े बिल पर राज्यसभा में 10 अगस्त को चर्चा हुई थी। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।